बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस टॉपिक के ऊपर कि एक स्क्रिप्ट के ऊपर वीडियो बनाओ, स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा एक पूरी सीरीज बना देता हूँ जिसमें शूट शुरू करने से पहले किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम टॉपिक्स कवर करेंगे इस सीरीज में। सबसे पहला टॉपिक ही हमारा है स्क्रिप्ट का, कि कैसे आप एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कैसे इसको स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। एक अच्छी स्क्रिप्ट डिसाइड करती है कि आपकी स्टोरी जो है शॉर्ट मूवी, फिल्म, यूट्यूब वीडियो कितनी ज़्यादा चलेगी या फिर नहीं चलेगी। बाकी सारी चीज़ें भी मैटर करती है, आपका कैमरा, ट्राइपॉड, लाइट्स वगैरह ये सब, लेकिन ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है। आपकी जो प्राइमरी मेन चीज़ है जिसकी वजह से डिसाइड होता है कि आपकी मूवी या वीडियो कितनी ज़्यादा हिट होगी, वो है आपकी स्टोरी की स्क्रिप्ट। अब बॉलीवुड की हो या फिर हॉलीवुड की, इन मूवीज के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन ही यही रहता है कि स्टोरी जो है अच्छी नहीं थी मूवी की। आप करोड़ों रुपए लगा के एक मूवी बना सकते हो, लेकिन जब तक उसकी स्टोरी अच्छी नहीं है लोगों को वो पसंद नहीं आने वाली। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं हम। देखो मैं मतलब आपको कोई एक एक डायलॉग नहीं बताने वाला हूं कि कैसे लिखना है, एक हाथी चींटी वाले जोक नहीं आपको बताने वाला, या फिर कोई भी जोक कैसे लिखते हैं या फिर कोई भी लाइन कैसे लिखते हैं ये नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रिप्ट लिखने की प्रोसेस होती क्या है और आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। अब एक स्टोरी कितना ज्यादा इम्पैक्ट करती है एक सीन को, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तुम चुने हुए वीर वानर दल के साथ पूर्व दिशा में प्रस्थान करो। इस दिशा में भागीरथी गंगा, सरयू कौशिकी, यमुना का कछार, सरस्वती सोन, कालमही, ब्रह्ममाल आदि देशों में। रामायण के इस सीन में सुग्रीव जब अपनी सेना को भेजते हैं कि पूर्व में जाओगे तो आपको यहाँ तक जाना है और यहाँ यहाँ पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। पश्चिम में जाओगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से वो बेसिकली जब अपनी स्टोरी में चीजें बता रहे हैं वो अपनी ज्योग्राफी भी बता रहे हैं, मतलब कि एक्चुअल में अगर आप सोचो उस टाइम पे उन्हें भी पता था कि ईस्ट की तरफ ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये स्टेट्स आएंगे, ये चीज़ें आएंगी, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा और पश्चिम में इस तरफ ये सारी चीज़ें होंगी। तो वो एक्चुअल में ज्योग्राफी के लेसन्स हमें देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे। यही वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो डिटेल पे अगर आप काम करेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट को यहाँ से उठा के यहाँ तक वो ले जा सकती हैं। हो सकता है लोग इस चीज़ को नोटिस भी ना करें लेकिन लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब चलते हैं स्क्रिप्टिंग की तरफ कि स्क्रिप्ट लिखना शुरू करें और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको अपना टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनानी है। टॉपिक आपने सर्च कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है, उसकी स्टोरी शुरू करने से पहले उसकी एंडिंग लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी एंडिंग नहीं होगी, आपके जो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हाँ ये एंड कैसे करना है वो अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आपकी जो स्क्रिप्ट है इधर उधर फैलती चली जाएगी और आगे चल के आपको समझ में नहीं आएगा कि इसकी जो एंडिंग देनी है वो किस तरीके से हम फाइनल करें। तो एंडिंग पहले लिखना, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है आपका वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके से स्टोरी जो है हमारी एंड होगी, ताकि हीरो जीते, विलन जीते, हीरो जिंदा रहे, मर जाए, कुछ भी हो, वो हमारी एंडिंग फिक्स है पहले से। फिर टिप नंबर 2 आती है हमारी लोकेशंस। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस किस जगह पे जाके शूट कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप स्क्रिप्ट लिखोगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम लिख लेते हैं कि समुंदर किनारे बैठे हैं और आप रहते हो पानीपत में, तो पानीपत में समुंदर कहाँ से लाओगे, तो वो चीज़ें फिर आपको फेक करके दिखानी पड़ती है कि आप कुर्सी लगा के बैठे हुए हो, फिर आप कहीं और का सीन नहीं दिखा रहे, सिर्फ फेस के क्लोजअप्स दिखा रहे हो, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डर लगती है। एज़ कम्पेयर टू दैट अगर आप कुछ इस तरीके से सीन बनाओगे कि आपकी लोकेशंस के हिसाब से हैं वो सारे सीन, तो काफ़ी ज़्यादा दमदार लगते हैं देखने में भी। फिर उसके बाद आप देखो कि आपकी स्टोरी के शूट के टाइम पे मतलब कितने बंदे आ सकते हैं, कितने आपके दोस्त हैं जो एक्चुअल में आ जाएंगे, या फिर मतलब एक दो जो एक्स्ट्रा हैं वो अलग चीज़ है। आप मान लो कि एग्जांपल के लिए कि 4 बंदे आपकी वीडियो में आ सकते हैं, तो आप उन्हीं के हिसाब से करेक्टर्स लिखना शुरू करो कि हाँ 4 करेक्टर्स मेरी स्टोरी में हैं। आप चाहे तो मतलब अगर एक्स्ट्रा करेक्टर्स आप लिखना चाहो आप करके डबल रोल भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, लेकिन जो आपकी स्टोरी है मेन उसके हिसाब से आपके करेक्टर्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी है कि आपके जो करेक्टर्स हैं उनकी स्टोरी होना बहुत ज़रूरी है, कि जो आपका करेक्टर है ये क्यों है और ये क्या करना चाहता है, कि क्यों ऑडियंस इसको देखे और किस लिए ये, मतलब इसका मेन पर्पस क्या है मतलब वीडियो के अंदर। अब एग्जांपल के लिए जैसे मैं बताऊं कि आपके जो करेक्टर है वैलेंटाइन के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो, उसमें एक करेक्टर आपका है जिसमें आप काफी ज्यादा डेस्परेट हो, एक करेक्टर हुआ जो डेस्परेट है। क्यों डेस्परेट है? क्योंकि वैलेंटाइन आ रहा है और इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ये आपका रीजन भी हो गया, आपका करेक्टर भी हो गया और उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है मतलब कि वो क्या चाहता है वो भी इस शॉर्ट में कंप्लीट हो गया। टिप नंबर 3 है आपकी आउटलाइन। आप जो स्क्रिप्ट लिखते हो उसकी आउटलाइन होना बहुत जरूरी है कि हाँ ये शॉट यहाँ पे होगा,
तो ऐसी लुक आएगी, ये ठीक रहेगा, ये ठीक नहीं रहेगा, ये शॉट हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपकी स्क्रिप्ट में होंगी तो आपको काफी ज्यादा इजी रहेगा शूट के टाइम पे। टिप नंबर 4 है डिवाइड योर स्टोरी। अगर आप स्टोरी लिखते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो, उसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा जो पहला सीन है, कितने सीन है टोटल, उसमें जो पहला सीन है आपका पायलट सीन है कि करेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि वो क्या चाहता है, हीरो के साथ क्या हादसे हो रखे हैं जिसके लिए वो विलन से बदला लेना चाहता है, या फिर उसकी बंदी कैसे छोड़ के गई थी, क्यों छोड़ के गई थी, तो अब फ्यूचर में क्या करेगा, बदला कैसे लेगा, इंतकाम कैसे लेगा, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये पहले सीन में इंक्लूड होनी चाहिए ताकि ऑडियंस को पता चले कि हाँ ये करेक्टर है और ये पूरी मूवी के अंदर इस तरीके की चीज करने वाला है। फिर बीच के जो सीन्स होते हैं वो होते हैं आपकी स्टोरी के कॉन्सेप्ट्स, मतलब जो स्टोरी चल रही है उसमें कुछ ट्विस्ट आ रहा है, किस तरीके से वो टर्न आ रहा है, हीरो विलन बन रहा है, विलन हीरो बन रहा है, वो सारी चीजें आ रही है आपकी बीच में। फिर एंडिंग जो होती है आपकी एंडिंग, जैसे कि मैंने बताया था, पहले ही लिखनी पड़ेगी कि जो हीरो है एंड में जाके इस तरीके से बदला लेगा या फिर विलन इस तरीके से बदल जाएगा या जो भी होगा वो आपकी एंडिंग। आप जिस भी करेक्टर से शुरू करेंगे उसी करेक्टर की स्टोरी को एंड करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक करेक्टर से शुरू करा और दूसरे करेक्टर की एंडिंग पे जाके खत्म कर दिया कि हीरो से दिखाया कि हीरो इस तरीके से बदला लेना चाहता है लेकिन हीरो गया भाड़ में, आप बस लड़की को दिखा रहे हो कि लड़की बदल गई है लास्ट में आके, मतलब आपको हीरो की तरफ से भी दिखाना पड़ेगा या फिर जो भी करेक्टर आप दिखाना चाहो उसकी तरफ से दिखाना पड़ेगा। और टिप नंबर 5 है आपके इमोशंस। अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो आपको सिर्फ ये नहीं कि डायलॉग पे डायलॉग लिखे जाओ फिर शूट के टाइम पे आप देखो कि इमोशंस कैसे डाल, अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो आप ही के अंदर वो इमोशंस होने चाहिए हर एक करेक्टर के हिसाब से कि कब किसको हंसना है, कब किसको पोज लेना है, कब किसको गुस्से में बोलना है डायलॉग, कितने गुस्से में बोलना है, कहां जाके क्या हरकतें करके बोलना है, वो सारी चीजें आपके इमोशंस जो है आपकी स्क्रिप्ट में होने चाहिए। मतलब लिख के रखोगे तो शूट के टाइम पे ज्यादा इजी रहेगा, आपको याद भी रहेंगे। टिप नंबर 6 है ऑलवेज लीव योर ऑडियंस विद सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब कि जो आपकी हीरो है वो जीत गया या फिर हीरो हार गया, मर गया, जिंदा है, कुछ भी है, विलन जीत गया, कोई भी जीत गया या फिर बंदे को आपके दोस्त को गर्लफ्रेंड मिली नहीं मिली क्या रहा, वो एक्चुअल में एंडिंग में पता लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको वो पता ही नहीं चला कि एंडिंग कहाँ से कहाँ चली गई और ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा कि अब पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा या जो भी है। अगर आप पार्ट 2 भी दिखाना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट एक एंडिंग इसमें देनी पड़ेगी कि हाँ इस करेक्टर के साथ ये हो गया, जो स्टोरी थी वो यहाँ पे खत्म होगी लेकिन फिर एक और ट्विस्ट आ गया वो उसमें। तो इस तरीके से पार्ट 2 के लिए अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज जो आपको एंडिंग है वो सीजन 1 के अंदर ही, मतलब अपनी एक वीडियो के अंदर ही देनी चाहिए, मतलब पड़ेगी तो क्या मतलब, लेकिन दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपकी स्क्रिप्ट के लिए। तो गाइज ये थी मेरी कुछ 5-6 टिप्स और आई होप आपको मतलब समझ आया हो। और अगर आपको बुक्स की रिकमेंडेशन चाहिए कि कौन सी बुक्स हम पढ़ सकते हैं अच्छी स्क्रिप्टिंग के लिए, अच्छी स्टोरी टेलिंग के लिए, तो उसके ऊपर हम फ्यूचर में वीडियोस बना देंगे। फिलहाल मैंने अभी रिसेंटली ये पढ़ी थी द प्रैक्टिस, काफी अच्छी मुझे लगी, आप भी पढ़ सकते हैं बाय सेथ गोडिंस। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, 5 वीडियोस और आने वाली हैं इसी सीरीज की, किस तरीके से हम प्री प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्शन, किस तरीके से लोकेशन हमें देखनी है, तो इन सारी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।